अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मैं शिवदानी और आप देख रहे हैं शिवदानी फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है चिकन बदामी कौरमा। चिकन बदामी कौरमा आपने फ्राइड में भी देखा होगा, शायद खाया भी होगा और रेड में भी। ये दोनों तरीके से होता है, लेकिन हम जो बना रहे हैं ये रेड में है। ये रेड में तो होगा, लेकिन ये फूल रेड नहीं होगा जैसे चिकन कौरमा होता है। ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन होगा, ये तकरीबन येलो माई होगा। आए हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, ये 1 किलो चिकन है जी, इसे हमने वॉश कर लिया। इसके लिए हमें जो मसाले चाहिए, ये 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 1/2 क्वार्टर टर्मरिक पाउडर, 1/2 वाइट पेपर, 1/2 टेबलस्पून और 1/2 टेबल स्पून है जी गरम मसाला, ये मैंने खुद अपना होममेड क्रश किया। 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये 10 पीस बादाम के हैं जी, ऑलमंड, कैशूनट, काजू के 10 पीस हैं। इसके लिए 1 टेबल स्पून है जी खशखश पॉपी सीड, 1 1/2 गार्लिक जिंजर पेस्ट, 100 ग्राम्स योगर्ट, 2 टेबलस्पून बटर और 50 ग्राम ये ऑयल है जी, और ये गार्निशिंग के लिए गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली ये गार्निश के लिए रखिए। ये 2 पीस टमाटर के हैं जी, 4 पीसेस ग्रीन चिली और ये 200 ग्राम प्याज है जी। व्यूअर्स, तो हम बादामी कौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ऑयल है जी, इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे और ग्रेवी बनाने के बाद इस पतीली में भी स्पॉट में हम बनाएंगे जी चिकन को जी। ये ऑनियन है 200 ग्राम, इसको हमने फुल ब्राउन नहीं करना, इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे कि इसका ज़्यादा रेड वाला कलर ना आए। ये हमने कोरमा फुल रेड नहीं रखना, ये गोल्डन कलर का कोरमा होगा बादामी कोरमा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे शेफ की हौसला अफजाई होती है। हम आपके लिए इतनी मेहनत से ये रेसिपियाँ बनाते हैं तो ये हमारे लिए एक अवार्ड होता है। आपका एक लाइक या सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, हमें कोई लाइक कर रहा है, हमें देख रहा है, तो इसे दोस्तों में शेयर करें, रिलेटिव में शेयर करें। जी व्यूअर्स, को प्याज इस तरह का हमें चाहिए था, लाइट था ब्राउन करना, वो हो गया। ये देखिए, अब हम इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, तो गार्लिक जिंजर भी फ्राई हो गया, भुन गया। अब हम इसमें वो टमाटर और ग्रीन चिली ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। दही, जी व्यूअर्स, तो अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये ब्लैक पेपर, गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर ये हम एंड पे इसमें शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये ग्रेवी हमारी बादामी कौरमे की डन हो गई है, इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये दिखाएंगे, स्मूथ हो गया, इसको ग्राइंड करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ग्रेवी हमने ब्लेंड कर ली है। जी व्यूअर्स, तो ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे, फिर उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे और ये 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तो अभी इसमें हम बटर ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, तो चिकन की बनाई होगी, आप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए।
चीज आपका ये पेपर्स तो पानी में इसमें बॉयल आ गया चिकन बहुत आ गए और 10 मिनट के लिए कवर करेंगे मिलते हैं 10 मिनट के लिए जी व्यूअर्स तो 10 मिनट कंप्लीट हो गए कवर हमने खोल दिया और ये है जी खशखश पॉपी सीड इसको जब भी आप किसी खाने में यूज़ करते हैं तो इसको पानी में भगोगे क्योंकि इसमें ना नीचे डस्ट बहुत चलो जी व्यूअर्स तो ये खशखश जो हम इसमें इस तरह से ऐड करेंगे कि जो डस्ट है वो नीचे रहे साथ ही हम ये काजू और बादाम ग्राइंड किए थे दूध में ये ऐड करेंगे तो अब हम इसमें धनिया पाउडर काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करेंगे तो क्रीम इसमें ऐड करेंगे जी बेबर तो क्रीम हमने ऐड कर दी है ये हमारा डन है जी कलर चेक करेंगे तो इसमें आप चोरा भी डाल सकते हैं हाफ टी स्पून रोज वाटर भी डाल सकते हैं और ग्रीन कार्डिमम का पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने ये सारा कुछ ग्रीन कार्डिमम ब्लैक कार्डिमम गर्म मसाला ये सारा मैंने क्रश कर लिया था कि अगर अलग से करें तो ग्रीन कार्डिमम और रूह क्योड़ा मैंने इसमें ऐड नहीं किया वैसे रूह क्योड़ा और रोज़ बैटर वो इसमें ऐड हो सकता है मैं अभी आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाता हूँ जी व्यूअर्स तो ये बादामी कोरमा हमारा डन है ये देखिए इसका फाइनल लुक इसकी चेक करें ये कलर है इसका और ये इसकी कॉन्सिस्टेंसी देख थिकनेस जो है तो आए हम इसको प्लेट में आपको लगा के चेक कराते हैं इसके ऊपर हम बादाम की गार्निश करेंगे जी व्यूअर्स तो ये बादामी कोरमा हमारा रेडी है अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।